नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वास्थ्य सेंटर। आज की रेसिपी है नवरात्रि स्पेशल आलू लच्छा नमकीन। इसे आप नवरात्रि के पहले दिन बनाकर रख लीजिए, और जब भी मन करे या हल्की भूख लगे आप चाय के साथ इसे खा सकते हैं। इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं होता है और बहुत ही कम सामान से बन भी जाएगा। इस नमकीन को आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे व्रत में ही खाएं, आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज के आलुओं को धोकर छीलकर उसे पानी में रखा हुआ है। अगर आलुओं को छीलने के बाद पानी में नहीं रखेंगे तो थोड़ी ही देर में आलू काले पड़ जाते हैं। मैंने यहाँ एक पतीले में पानी डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब पतीले में 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, इस बर्तन में मैंने यहाँ पानी लिया हुआ है, इसी में हम आलुओं को कद्दूकस करेंगे। अब कद्दूकस को लेकर उसकी बड़ी वाली तरफ से आलुओं को हम कद्दूकस करेंगे। देखिए कितने बढ़िया लच्छे बन रहे हैं। इसी तरह से सारे आलुओं के लच्छे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इन लच्छों को अच्छे से हल्के हाथों से मसलते हुए धुलेंगे। इससे क्या होगा कि जो आलू में स्टार्च है वो निकल जाएगा। आप आलुओं को अच्छे से निचोड़कर इसे दूसरे पानी में डाल देंगे। इसी तरह से आलू को हम 3 बार पानी में धुलेंगे। देखिए तीसरी बार का पानी कितना साफ है, लच्छे एकदम सफेद हो गए हैं। अब जो पानी हमने उबलने के लिए रखा था उसमें उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसमें आलू के लच्छों को डाल देंगे। इन लच्छों को 1 मिनट तक पानी में ही रहने देंगे। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आलू में थोड़ा बहुत जो स्टार्च रह गया है वो निकल जाएगा और लच्छों में अच्छे से नमक लग जाएगा और नमकीन भी क्रिस्पी बनेगी। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप लच्छों को साल भर तक स्टोर करना चाहते हैं तो इन्हें 4 मिनट तक पानी में उबाल लीजिए। फिर उसे धूप में अच्छे से सुखाकर आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, जैसे आलू के चिप्स करते हैं, और जब मन करे तब उसे तल सकते हैं। 1 मिनट हो गया है, अब लच्छों को हम पानी से बाहर निकालेंगे। इसके लिए मैंने ये छन्नी वाली प्लेट ली है, उसके नीचे ये बड़ा वाला बर्तन रखेंगे ताकि पानी नीचे ना गिरे। अब लच्छों को छानकर पानी से उसे अलग कर रहे हैं। देखिए, हमने लच्छों को छान लिया है, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लच्छे हमारे ठंडे हो गए हैं। अब एक तौलिया लेंगे और उसके ऊपर लच्छों को फैला देंगे। अगर आप चाहें तो इसे 15 मिनट धूप में सुखा लें या पंखे के नीचे सुखा लें। मैं इस तरह से तौलिए से ही पोंछ लूंगी, इससे लच्छों से पानी निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, लच्छों का पानी सूख गया है। अब कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें तलने के लिए तेल डाल रहे हैं, आंच को मीडियम ही रखेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़े थोड़े करके लच्छों को डाल देंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि लच्छे सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो सकें। देखिए, इनका कलर चेंज होने लगा है और एक कुरकुरे दिखने लगे हैं। इन्हें तलने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। देखिए, लच्छे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी लच्छों को फ्राई कर लेंगे।
देखिए कितने क्रिस्पी लच्छे बने हैं, एकदम चूर चूर हो रहे हैं। अब इसी तेल में 1 कप मूंगफली के दानों को डाल रही हूँ। मूंगफली को उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। देखिए मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब इसमें करी पत्ता को भी फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आधा चम्मच सेंधा नमक को मूंगफली में मिला देंगे। लच्छों में नमक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उबालते समय पानी में नमक डाला था। अब मूंगफली को लच्छों के साथ मिला देंगे। बहुत ही बढ़िया नमकीन तैयार हो गई है। दोस्तों आप इसमें काली मिर्च का पाउडर या कोई और मसाला जो आप व्रत में खाते हो उसे डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें मखाने और काजू बादाम को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, इससे ये नमकीन और भी रिच हो जाएगी। इस नमकीन को बनाकर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लीजिएगा और जब भी कुछ हल्का खाने का मन करे आप इस नमकीन को खा सकते हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में एक घंटी बनी हुई है उसे दबा दीजिएगा। इससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।